का ये पूरा का पूरा मामला जिसको लेकर टाइम्स ऑफ भारत से प्रिया सिंह ने कहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मेरा बयान ठीक से दर्ज नहीं किया, पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस ही नहीं लगाया है। अश्वजीत के आरोप पूरी तरह से गलत हैं। अश्वजीत मेरा दोस्त नहीं, बॉयफ्रेंड था। मैंने शराब पी थी लेकिन होश में थी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई की मांग करते हुए तमाम बातें जो हैं वो प्रिया सिंह की ओर से बताई गई। किस तरह उसके बॉयफ्रेंड ने गाड़ी चढ़ाने के प्रयास करते हुए हालत उनकी कर दी, क्या कुछ उन्होंने कहा टाइम्स ऑफ भारत से, सुनिए जरा। मैं सर इस वक्त विक्टिम प्रिया सिंह जी मौजूद हैं। प्रिया जी का आप जो जख्म है वो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इन्हें चोट हाथ पर लगी है, पैरों में चोट लगी है। प्रिया जी निश्चित तौर पर आप एक काफी दर्दनाक समय से इस वक्त गुजर रही हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले पर अब आपकी उम्मीद क्या है, क्या सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, किस तरीके से इंसाफ आप चाहती हैं? सर मेरी उम्मीद यही है, मैं 6 दिन से यहीं पर बेड पर पड़ी हूँ हॉस्पिटल में, और इट वाज अ इंटेंशनली जो एक्सीडेंट हुआ, इट वाज नॉट एक्सीडेंट, इंटेंशनली किया गया है। मेरे पैर में रॉड है, आई एम नॉट एबल टू मूव माई बॉडी, एक भी सिंगल पार्ट नहीं मूव कर पा रही। मैं 6 दिनों से, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट मेरा पुलिस वालों ने लिया नहीं, स्टेटमेंट चेंज किया गया है। और अगर इंटेंशनली आप किसी को मारने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर, विच इज़ सेक्शन 307। मैं 307 के लिए 6 दिनों से बोल रही हूँ कि मुझे 307 डालिए मेरे FIR में, बट अब तक नहीं डाला है। मुझे यही मांग है सबसे पहले तो 307 डालना चाहिए, और मैं जस्टिस चाहती हूँ बिकॉज मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ और फॉर नो रीज़न। जस्ट मैंने आई वॉज इन लव विद दैट पर्सन, और मेरे साथ ये जो भी हुआ है मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी तक, कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या अश्वजीत जो है वो रसूखदार आदमी है, इसीलिए क्या पुलिस जो हाँ ही इज वेल कनेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है, बहुत कुछ है, तो मैं तो भी बहुत कोशिश सर, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ गर्ल टू स्टैंड लाइक दिस एंड फेस सो मैनी मीडियाज एंड इतने सारे ट्रोल्स भी हो रहे हैं। पुलिस ये सब नॉर्मल नहीं है एक लड़की के लिए, बट स्टिल आई एम ट्राइंग बिकॉज आई एम सफरिंग अलोन, उसको कुछ नहीं हो। एक वर्जन सामने आया उसमें उन्होंने बोला कि ये एलिगेशन फेक है, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, हम किसी रिलेशन में नहीं थे। आप उनके इस बयान को कैसे? नहीं सर, 4.5 साल का रिलेशनशिप था मेरा और उसका, उसने मुझे शादी के लिए भी प्रॉमिस किया था, मेरे पास प्रूफ भी है, फ्रेंड्स थे तो मेरे पास पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉल्स पे भी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वॉइस नोट हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स नहीं थे सर हम, आई एम इमोशनली हर्ट बिकॉज ये किसी अननोन ने नहीं किया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम, आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग, बिकॉज उसके पास और कुछ है नहीं एलिगेट करने के लिए मुझे। एक और एलिगेशन तो उन्होंने लगाया था कि शायद पैसे के लिए सब एलिगेशन लगाओ, मैंने पास में कुछ पैसे दिए हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, कभी आपने कोई पैसे लिए उनसे या ये भी झूठ है? नहीं सर कोई पैसे नहीं, रिलेशनशिप में गिफ्ट्स वगैरह तो चलता रहता है, वो मैं भी उसको देती थी, वो मुझे भी देता था, मैंने कभी कोई किसी चीज की डिमांड नहीं की है। रिलेशनशिप में नॉर्मल होता है आप घुमाना फिराना आप करते हो अपने पार्टनर्स के लिए, मैंने कोई उससे पैसे कभी उसके पास कोई ये नहीं होगा ऐसा, मैंने कुछ पैसे के लिए नहीं, पैसे के लिए होता तो अभी भी उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी हॉस्पिटल का है वो ले लो, भाई देख लेगा, लेकिन हमने मना किया कि नहीं। आपको जब आप गिरी तो क्या गाड़ी का पहिया आपके पैर के ऊपर से गुजरा है ऐसा कुछ? जी सर मुझे लगी है, मैं बहुत अनकॉन्शियस थी, मुझे यहाँ तक याद है कि गाड़ी से मुझे मार के मैं आगे गई थी, गाड़ी के आगे थी, मैंने रुकाने की कोशिश की थी क्योंकि मेरा फ़ोन पर सब कुछ गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैं अकेले रात को करती क्या बिना फ़ोन के भी नहीं, वो भी मुझे छोड़ के जा रहा है। इट वॉज़ अ नॉर्मल स्मॉल फाइट, कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, मुझे असल देवर हाई ऑन समथिंग, आई डोंट नो उन्होंने क्या नशा किया था क्या किया था। उनका ये भी कहना है कि आपने भी क्या कोई नशा किया था उसका? ड्रिंक नॉर्मल, मैं पार्टी में से गई थी, नॉर्मल ड्रिंक किया था, कौन नहीं करता पार्टी में से तो ड्रिंक करके इंसान रहता, बट आई वाज नॉर्मल, मैं सिर्फ उसको कन्विंस कर रही थी प्यार से, मैं एंड तक मोमेंट में मैं सिर्फ उसको बोलती थी प्लीज गाड़ी में बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे सबके सामने बात नहीं करना, क्योंकि मुझे पब्लिक ड्रामा नहीं चाहिए था, और ये सब भी जो मीडिया वगैरह ये मैं नहीं चाहती हूँ, इट इज़ जस्ट मुझे पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, लोग आ रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग फाइन, नॉट इवन माई मेंटल हेल्थ। जी मैं चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। एक आखिरी सवाल, किस तरीके से आप चाहते हैं कि क्या ऐसी कार्रवाई हो कि आपको इंसाफ मिले?
सर 307 का जो गुनाह होता है उस पर जो भी है लॉ बना है, मैं चाहती हूँ वो उस पर होए। और अगर वो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन डाल रहा है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो मेरे पास भी वो प्रूफ है, वो सब चीज़ होगा टाइम पे, तो मैं वो सारी चीज़ें देने के लिए भी 373 लगता है आई थिंक फेक प्रोमिस फॉर मैरिज एंड ऑल, तो वो सब भी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बट जो मैं सफ़र कर रही हूँ, आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी हैप्पी एंड लीव ईजीली, इतना मुझे सर्वाइव में दिस आई डोंट डिजर्व दिस सर। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया, आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो प्रिया सिंह बता रही कि किस तरीके से वो चाहती हैं कि पुलिस इस मामले में जो है सतर्कता दिखाए, जो सही जो आईपीसी की धाराएं बनती हैं वो उसमें डाली जाए और जो कार्रवाई उचित और सख्त जो हो सकती है वो की जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिले। दूसरी तरफ जो कुछ भी आरोप जो लगाए गए हैं प्रिया के ऊपर, उन्होंने उसको भी खंडन किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे कब तक अपनी कार्रवाई तेज करती है।